खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां अवैध खनिज निकालकर धरती का सीना खोखला किया जा रहा है। इस खनिज पदार्थ को कई अवैध क्रेशर संचालकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। वहीं क्रेशर संचालकों के द्वारा पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रीवा जिले का बनकुया क्षेत्र क्रेशर संचालकों के लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्र है, क्योंकि यहां बेला और जेपी सीमेंट फैक्ट्री की खदानों से चोरी का पत्थर ही सहजता से उपलब्ध हो जाता है। लगातार 6 से शिकायतें मिल रही थी कि क्रेशर संचालकों के द्वारा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदूषण हो रहा है। शिकायत मिलने पर एसडीएम अनुराग त्रिपाठी, खनिज अधिकारी यत्नेश दीक्षित और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनकुया पहुंचकर मौका मुआयना किया, जहां कई कृषि नियम की धज्जियां उड़ाते मिले हैं, जिन्हें संयुक्त अमले के द्वारा समझाइश दी गई है। वहीं कई नोटिस को जारी किया गया। पूरे भ्रमण को लेकर एसडीएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अगर संचालकों के द्वारा मानकों का पालन नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल ये कुछ बनकुया क्षेत्र में जो हमारे हमारा राजस्व निरीक्षक वृत्त है, वहाँ पर ये शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ जो क्रशर चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है और आसपास प्रदूषण हो रहा है। तो हम लोगों ने खनिज अधिकारी के साथ में, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ में और प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारियों के साथ में हमने संयुक्त भ्रमण किया और वहाँ पर जिन क्रशर्स में प्रदूषण और धूल की जो गुबार उड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए यदि प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, तो उसका निरीक्षण के दौरान पाया कि 2-3 ऐसे क्रेशर थे जहां पर ये जो एहतियातन शर्तें होती हैं क्रेशर संचालन करने की, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। तो उनको नोटिस भी जारी किया और उनको इंस्ट्रक्ट भी किया है कि यदि ये ऐसी स्थिति पाई जाती है तो फिर आगे चल के उनके क्रेशर्स पे कार्रवाई होगी। सील तो अभी नहीं किया है, अभी एहतियातन उनको बताया है कि यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो निश्चित रूप से सील करने की कार्रवाई की जाएगी। पहले कार्रवाइयां की गई हैं जहां पर हम लोगों ने सील किए हैं क्रेशर्स। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके प्रतिवेदन पर 133 की कार्रवाई की गई है और यदि वैसी स्थिति दोबारा पाई जाती है तो फिर से कार्रवाई की जाएगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।